चलता करती है। ओम जी, स्वागत है हमारी योग क्लास में। और ये है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में अर्ध चक्रासन करेंगे पहले। चंद्रासन भी बोलते हैं इसको। अर्ध चक्रासन साइड में पार्श्व भागों में सांस भरते हुए पीछे गए, एड़ियां ऊपर उठी हुई, पंजे खड़े हुए, पैरों में लगभग आधा। अब दोनों हाथों को कमर पे ले आओ। एक बार श्वास छोड़ते हुए वापिस आओ। दोनों हाथों को कमर पे ले आओ। पीछे जाओ श्वास भरते हुए। ये अर्ध उष्ट्रासन हो गया। अर्ध उष्ट्रासन प्रदूषण होता है। वही बीच बीच में मोर और अलग अलग पंछी भी बोलते हैं। एक बार वापिस आए, सुहानी लगती है। अब यहीं से हाथ को पीछे, सभी साधक की एड़ी को पकड़ो। दोनों पाओ में थोड़ा गैप बना लो। सभी साधक थोड़ा ज्यादा गैप बना लो। पंजों के बल पाँव खड़े हैं हमारे। जो भी मेरे वीडियो को सुन रहे हो हमारे आसपास में, तो क्लास में पहुंचे सभी, मेरी क्लास की भी आए। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से ये उष्ट्रासन, क्योंकि मेरी क्लास अब बालाजी से पीछे की तरफ नीलकंठ मंदिर परिसर पार्क में पहुँच गई है। अर्ध उष्ट्रासन का कुछ साधक आते हैं। कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको नाभि संबंधित कोई दिक्कत होती है, नाभि से नीचे के अंग हमारे मजबूत होंगे, पीसीओडी की समस्या ठीक होगी। जिनको चक्कर आते हैं, हाई बीपी है, एक छोटा सा अभ्यास आराम आराम से करना। हाई बीपी वाले चक्कर आते हैं जिसको, वो आराम आराम से करें। अब इसमें पंजे खड़े हुए थे, इसमें पंजे ऐसे लिटा करके भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये बहुत चक्रासन और ये बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मेरे पेट का ना ऑपरेशन हो चुका है। पेट पर ज़्यादा फिर ऑपरेशन के बाद मैं वजन नहीं डाल सकती, इसलिए मैं नहीं करती। हमारी आदरणीय बहन वो भी कर रही हैं। देखो, सबसे ऐसा हो ना सकेगा उष्ट्रासन, सबसे ऐसे ही बैठ जाए। पहले हाथों को ऐसे टिका ले, अंगूठे अंदर अंगूठियाँ बाहर, एड़ियों पर ऐसे हाथ रख लिया। अब जिससे जितना बन पाए उतना उठा ले। अलग अलग उसमें कर कुछ इतना कर पाएंगे, कुछ इतना ऐसे सब नहीं कर पाएंगे। जितना जिससे बन पाए इतना ही कर। ये देखें पूरन उष्ट्रासन हमारी, और जिनसे उष्ट्रासन बन ही ना पाए और साथ कर सकते हो क्या। देखो संतोष ने भी पूरा किया हुआ है अच्छे से, और सभी साधकों ने किया है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। कमर दर्द वालों के लिए रामबाण है। ये मैं फोटो खींच रही थी तो पहले फोटो नहीं खींचा, दोबारा फोटो खींचा का फोटो खींच लेती हूँ। सारी बहनें बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही हैं। शशांकासन शुगर के लिए है। ये शशांकासन के लिए रामबाण है। कोशिश करें शुगर के लिए रामबाण है। पीछे से एडी पर टिके रहे और कमर दर्द है तो वह थोड़ा है ना पैरों को खोल लेती हैं पीछे से, क्योंकि पैरों को खोलते हैं और हाथ जमीन से घिसड़ाते हुए आगे ले जाती हूँ मैं। आसन एक फायदे अनेक बनाती हूँ, तो फिर मैं अपना दिखा नहीं पाती जो मैं जिस हिसाब से कल हमारा रोशनी बहन कर रही हैं। कल हमारा मूल बंद पे था, एक वीडियो देखा नहीं देखा किसी ने। कमर दर्द वाले पीछे से अब ये अगला शुरू हो गया हमारा। दंड बैठकों का एक भाग है ये, इससे बहुत फायदे होते हैं। और योग नृत्य का भी आनंद उठाएं, उसमें योग नृत्य होता रहता है, बहने करती रहती है, वो हमारा योग नृत्य है। वैसा नहीं है, करने लगी हूँ अब इनको। ओम जी सभी को ओम।